छत्तीसगढ़ में तो अब अपनी मोदी जी की ही सरकार दिखेगी, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को बना दीजिएंगे, बस उतना ही कहना चाहूँगा। उस मेरा नाम प्रेम लाल बारिक है, मैं ग्राम अरेकेल का हूँ और ऐसे में देखने के लिए इधर मतलब आया था। और यहाँ पे जो परिस्थिति अभी इस मार्ग से कुड़ेकेल जमड़ी कोटापारा मुड़पहाड़ वाले सब आता जाना करते हैं और ये पुल जो है विगत 2 वर्षों से मतलब इस तरह से टूटा हुआ है, लेकिन शासन प्रशासन इस पर किसी भी प्रकार की ध्यान नहीं दे रहा है और जान जोखिम में डाल के यहाँ ग्रामीण जो है मतलब आना जाना करते हैं। और ये जो स्थिति है कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकता है, इसमें शासन प्रशासन के कोई मतलब जो है ना आज तक कोई सुनवाई नहीं है। क्षतिग्रस्त होने का वे इंतजार कर रहे हैं, मतलब आमंत्रित कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। परिस्थिति सबके सामने में दिख रहा है, शासन इसमें किसी भी प्रकार की सुध नहीं ले रहा है कि इसको बनाना चाहिए कि बनवाना चाहिए। ग्रामीण क्या है, उच्च अधिकारी जो हैं वो तो देख रहे हैं, उसको बताने की क्या हो सकता है, जो दिख रहा है स्पष्ट है। यदि मान लो नहीं दिखता और बताते तो बात अलग है, दिख रहा है उसके बावजूद भी इसमें कार्रवाई नहीं हो रहा है ना, प्रगति नहीं हो रहा है, इसमें काम नहीं करवा रहे हैं, खाली खोखला दावा करेंगे। पार्टी विपक्ष जो अभी सत्ता में है वो बोलेगा मैं बनवा दिया हूँ, फिर विपक्ष बोलेगा उसका काम ऐसा हो गया। लेकिन दोनों का लड़ाई के चक्कर में तो ग्रामीण लोग सब त्रस्त हैं ना, मजबूरी है ये आवाजाही करने का जो भी है। तो इसको शासन को इसमें सुध लेना चाहिए और जल्दी तत्काल से तत्काल बनवाना चाहिए ताकि आवाजाही जो है सही ढंग से सुचारू ढंग से मतलब चल सके और दुर्घटना ना हो, सब सुरक्षित सेव रहें। बहुत परेशानी वाला काम है, इसको तत्काल से तत्काल करवाना चाहिए। मेरा नाम जयसिंह यादव। कहाँ से? कुड़ेकेल से। नाला टूट गया, फिर भी आप इस मारा जाना कर रहे हैं, कुछ डर बनने लगता है आपको? डर लगता है जी, क्या करेंगे अब, कहीं से रास्ता नहीं है आने जाने का। अच्छा, पूरा यही एक रास्ता है जी, तो फोर व्हीलर भी आना जाना हो रहा है? नहीं। तो शासन क्या कर रहे हैं इसमें, कब तक बनेगी? क्या अब शासन तो कई इतना बार वो दे दिए हैं यहाँ से, अब साल भर हो गया, दो साल हो गया कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। आप इसी में आना जाना कर रहा है? आओ नहीं करेंगे इसमें, और कोई मार्ग नहीं है आप लोग आने जाने के लिए? हैं, आओ नहीं है ना, मार्ग नहीं है, नहीं है, मुख्य मार्ग है। आप बहुत दूर पड़ता है वहाँ से, परसपुर से? अच्छा, बहुत दूर पड़ता है। मैं राम रतन पटेल, ग्राम कुड़ेकेल का हूँ। अभी विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में, 2017 में, किसकी सरकार बनने की उम्मीद है आपको, क्या लगता है? अच्छा, हमारे यहाँ तो दोनों का बराबर लगभग ये रहता है, क्या है जितने हैं राजा साहब जैसे प्रिय होते हैं ना, तो उनके आदिवासी जितने बंधु हैं सब रिलेशनशिप टाइप के अपना परिवार समझते हैं, वो बाहर नहीं जाते, कांग्रेस ही को ये देंगे। किसान लोग भी अधिकांश अभी धान के नाम से, बोनस के नाम से मतलब भूपेश को ज़्यादा पसंद करें। बाकी तो मोदी का जैसे ये रहता ना, तो केंद्र में मोदी आएगा समझो, उसमें कोई दूसरा वो यच नहीं है, ऑप्शन नहीं है। राज्य में थोड़ा सा मतलब भूपेश का ज़्यादा ये दिख रहा है आज। आप कह रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस सरकार अच्छा विकास कर रही है? विकास नहीं है, बस वो क्या लालच देके सब ये कर रहे हैं समझो, ये विकास थोड़ी बोलोगे इसको, फ्री में कुछ बांटना ये विकास नहीं माना जाता। जैसे पुल वगैरह बनता ढंग से ये होता ना, उसको विकास के ये में लेते, बाकी विकास का कोई ये नहीं है। अच्छा, तो जैसा आप अभी राजा साहब के बारे में बता रहे थे कि गांव वाले उन्हें परिवार की तरह मानते हैं, बावजूद उसके वो अपने परिवार वालों को इस तरह जान जोखिम में उनके मजबूर कर रहे हैं जो, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर अब क्या है, समझते नहीं है आदमी लोग, नहीं तो वो ऐसे चीज़ को तो उनको उनके पास भी कई बार जा के बोल चुके हैं और आश्वासन भर देते हैं वो, बाकी काम के नाम से कोई ये नहीं है उनका। अगर विधानसभा की बात करें हम लोग, हाँ, तो कांग्रेस से हो या बीजेपी से, और कौन से उनसे नेता हैं जो गांव तरफ जन संपर्क कर रहे हैं? अपना कांग्रेस से तो राजा साहब एक ही जने दिखते हैं यहाँ जी, बाकी बीजेपी से 2-3 जने और हैं जी। जी, नाम जैसे आप बता सकते हैं? जैसे पूर्व विधायक है रूप कुमारी हैं, संपत अग्रवाल जी अभी भिड़े हुए हैं जी, संपत जी को अगर टिकट मिलता है तो आसानी से निकल। अच्छा, संपत जी को वो आसानी से निकाल लेंगे, वैसे ही मतलब ये बना के रखे हैं वो गाँव।
और पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी जी का कार्यकाल का वो अच्छा था, बढ़िया कार्यकाल था उनका। आपको अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? प्रदेश में क्या है, देखो 5 वर्ष तो हो गया ये भूपेश बघेल जी को, लेकिन इसमें संतुष्टि तो नहीं है। हालांकि खुल के कोई नहीं बोल रहा है कि इसमें मतलब वो हो रहा है, विकास का तो नाम ही नहीं है। हर क्षेत्र में जो है ना बीजेपी जो है अच्छा काम कर रही है, और मेरे हिसाब से इस अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी ही मतलब आएगी। अच्छा, क्या लगता है आपको बसना से कौन कौन संभावित प्रत्याशी हैं, बीजेपी को किसको मौका देना चाहिए? बीजेपी को यदि सही प्रत्याशी के रूप में मान लो चयन करना है, क्योंकि पिछले समय भी एक बार डिस्प्यूट हो चुका है और अभी पॉपुलर है संपत अग्रवाल जो है, तो मेरे हिसाब से क्योंकि वो हर गरीब से गरीब जगह में जाके मतलब सबकी सुनवाई करते हैं, तो मेरे हिसाब से संपत अग्रवाल को मतलब बीजेपी को जो है ना टिकट देना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं में क्या कहना है? कांग्रेस के नेताओं में क्या है, देखो एक तो विगत कई वर्षों से ये अपना भाई पहले जैसे कांग्रेस थी मान लो, तो उसमें तो किसी कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से छलावा किया है लोगों के साथ, बेरोजगारों के साथ, आज भी देखो मैं 99 बैच का आदमी हूँ, 99 में हायर सेकेंडरी किया हूँ, लेकिन बेरोजगार हूँ, कुली का काम कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो मतलब स्थिति। तो क्या उम्मीद करेंगे, कांग्रेस शासन तो हम लोगों को शुरू से अपना मजबूर करके रखा है ना, और बार बार यदि मान लो अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता इनका तो ये तो बदलने की जरूरत नहीं है ना, और हर जगह जो है बीजेपी क्यों अपना अच्छा जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही है और हर जगह क्यों खड़ा उतर रही है। आज जो है मान लो छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस है करके ये विकास नहीं हो रहा है ना, क्योंकि शासन से तो अभी देखो 7,81,000 आवास को निरस्त किया भूपेश बघेल जी। अभी हम लोग के घर में जाके देखो, आप इन्वेस्टिगेशन करो, समीक्षा करो, जाके घर घर में पानी भरा हुआ है, तो वो तो मरो वाला हिसाब है ना, कभी भी दीवार धस जाएगी। कुछ दिन पहले मतलब आवास की राशि ग्राम पंचायत में जारी हुई थी, कुछ राशि ऐसी जो जानकारी हाँ जानकारी है। देखो क्या है, उधर से जब केंद्र शासन जो है इन लोगों को फटकार लगाया है कि भैया कई लोगों का शिकायत है जो घर से बेघर हो रहे हैं, रोड में आ गए हैं, तो उस शिकायत को मद्देनजर रखते हुए केंद्र शासन जो है और विपक्ष के जो भी लोग हैं कुछ अपना वो किए हैं, निर्णय किए हैं और मतलब देना चाहिए इन लोगों करके, तो 3600 करोड़ वहाँ से शासन जो है केंद्र शासन इन पर आवंटित किया। तो उसमें भी जैसे देखो पहले जब बीजेपी की शासन थी उसमें 45,000 रुपये पहले फर्स्ट मतलब वो देते थे, अभी 25,000 रुपये दे रहे हैं उसी कार्य को, जबकि तो मजबूत को माने 25,000 दे रहे उसमें मजबूती क्या होगी, 6,000 रुपया सरिया का रेट है, 300 रुपया सीमेंट का रेट है, गिट्टी का 3500 रेट है, और उसमें कहाँ से बनाएगा, फाउंडेशन करेगा कि डीपीसी लेवल करेगा 25 में, जब 45,000 में नहीं हो रहा था तो 25,000 में कहाँ से होगा, जबकि ये महंगाई है। जबकि बीजेपी शासन में 45,000 रुपये पहले इंस्टॉलमेंट देते थे, उसके बाद में और 3 किस्त में ये सब विभाजन करके देते थे, लेकिन इसमें अभी कांग्रेस शासन में 25,000 दे रहे हैं, जबकि कोई 25,000 दे रहे हैं वो भी देखो इन लोगों का गणित क्या है, जैसे बरसात लग गया है, अब बरसात में ये चीज़ को मतलब फॉलो कर रहे हैं ना, संचालित करें, तो भाई आदमी तो मकान तोड़ के कहाँ रहेगा, कहाँ बनाएगा, तो वो उसकी भावना को मनसा को समझ लीजिए आप लोग कि वो बनाने के लिए बोल रहा है कि क्या करने के लिए बोल रहा है, मतलब बरसात में लागू हो रहा है ना ये सब चीज़, सूखे दिन में सब पेंडिंग था, और अभी क्योंकि आचार संहिता लगने वाला है और अभी क्या है चुनाव है नज़दीक में, तो ये अब शुरू हो रहा है ना ये। अच्छा, जैसा कि आप बेरोजगारी के लिए केवल कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं प्रदेश में, हाँ उसके लिए केंद्र सरकार को आप कितने जिम्मेदार मानते हैं? मैं तो देखो मैं केंद्र सरकार को सिर्फ 10-20% मानता हूँ, क्योंकि सभी चीज़ को एकत्रित करने में समय तो लगता है, जब ये 75 साल में नहीं कर पाए, 70 साल में नहीं कर पाए, तो ये 15-20 साल में तो भाई सबको टुगेदर करना इतना वो है, क्योंकि एक गांव का ग्रामीण सरपंच गांव को संभाल नहीं पाता तो पूरे भारतवर्ष को संभाल रहे हैं ना केंद्र में बैठ के। मैं उषतराम पटेल, सरपंच भूतपूर्व कूड़ेकेल जी। पुल के हालात पर कुछ बताएंगे सर पूर्व सरपंच जी, आपने किन नेताओं ने या संज्ञान लिया अधिकारियों ने अभी तक कैसे ऐसी स्थिति है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि इसी जर्जर पुल से हम लोग आना जाना कर रहे हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ये तो मुख्यमंत्री घोषणा करे हैं साल
नहीं का मुख्यमंत्री घोटा कर दे पीड़ा में, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई आपको। अभी तो 4-6 महीने ही बचे हैं कांग्रेस सरकार के, तो कहा काल के पहले ये पुल पूरा हो जाएगा? नहीं बन पाएगा। तो आने वाले समय में क्या क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है प्रदेश में? अभी घोड़ा ऊपर जाएगा, घोड़ा कैसे गए? अच्छा, आप इसको में हाँ टिकट के ऊपर भी। अपना विधानसभा की बात करें पूर्व सरपंच जी, तो किन नेताओं का असर है आपके तरफ, जैसे कांग्रेस से या बीजेपी से संभावित नेताओं के जो जनसंपर्क में है? बीजेपी ले अभी संपत रूप कुमार चौधरी के, और कांग्रेस में विधायक नहीं गए। अच्छा, कांग्रेस से राजा जी का, और बीजेपी से रूप कुमार चौधरी और संपत अग्रवाल। पूर्व विधायक का कार्यकाल कैसा था? आप तो सरपंच भी रह चुके हैं। 5 साल बढ़िया था उसका भी, और वर्तमान जो ये भी बहुत विकास भी अभी ऐसे रोड नहीं बन रहा है, बाकी वो तो केंद्र सरकार का है, बाकी यही सब दानच का है, इसका सिर्फ पता कुछ नहीं हुआ काम हुआ। और वर्तमान विधायक के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट? ठीक है। और आपके तरफ मतलब विधायक में से कुछ कुछ मिला है? नहीं, जानकारी है आपको? सीसी रोड मिला है। अच्छा, सीसी रोड। मेरा नाम मनोहर साहब है, मैं अरेकेल का निवासी हूँ, और अरेकेल और कूड़ेकेल के बीच हमारे दोनों गांव के बीच ये नाला पड़ रहा है, और इसमें जो पुल बना हुआ है विगत 2 वर्षों से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें कलेक्टर साहब के द्वारा भी वो लगाया गया था रोक आवाजाही के लिए, और बोर्ड भी लगाया गया था, लेकिन आवाजाही का साधन नहीं होने के कारण उसको कुछ अज्ञात तत्वों ने तोड़ डाला है। और इसके घोषणा होने के पश्चात भी एक बार देवेंद्र बहादुर जी हमारे जो विधायक हैं उनके द्वारा भी इस पुल के संबंध में कुछ चर्चा की गई थी शासन प्रशासन से, लेकिन अभी तक उसका कोई भी हल नहीं हुआ है। और यहाँ से विगत 4-5 गांव जो आते हैं कूड़ेकेल, जमड़ी, पोटापारा और मुड़पहाड़, वो इतने जो ग्रामीणों को यहाँ पे बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये बनना निहायत ही ज़रूरी है। स्कूल दोनों तरफ से आवाजाही होती है। अरेकेल यहाँ मिडिल स्कूल खुलने के पश्चात कूड़ेकेल में अरेकेल से भी कुछ बच्चे, डिपा से भी कुछ बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और आप देख ही रहे हैं आपके सामने में जान जोखिम में डाल के इसी पुल से पार करते हुए जा रहे हैं लोग। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जी, क्या लगता है आपको प्रदेश में किसकी सरकार आ सकती है? देखिए, भूपेश बघेल जी जो अभी वर्तमान में है किसानों के हित में अच्छे फैसले ले रहे हैं, और अनियमित कर्मचारियों का जो मुद्दा उठा है उसमें उनका घोषणा पत्र में शामिल था, लेकिन अनियमित कर्मचारियों को उन्होंने कुछ नहीं किया है, और सुनाई में आ रहा है कि बीजेपी उसको शामिल करने वाला है अगले वो में, तो दोनों में कांटे की टक्कर रह सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस आएगी या भाजपा आएगी, ऐसा भी कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ वादे कांग्रेस ने पूरे किए हैं लेकिन कुछ बाकी हैं अभी। अच्छा, अगर हम स्थानीय नेताओं की बात करें तो कौन सा चेहरा है जिसे आप विधायक बनाना चाहेंगे, कुछ ऐसे नाम बताएं? तो देखिए, कांग्रेस से तो राजा साहब ही हैं, उन्हीं का पल्ला भारी है, और साथ में संपत अग्रवाल जी को अगर बीजेपी से टिकट मिलता है तो उनके चांसेस भी बनते हैं, क्योंकि वो बिना पद में रहते हुए, राजनीतिक दल में रहते हुए, उन्होंने बहुत जनहित का कार्य कर रहे हैं, उनके सनातन धर्म को भी उठा रहे हैं, क्रिकेटरों को भी खेल से प्रोत्साहित कर रहे हैं, खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य सुविधाएँ भी उन्होंने की है, तो निश्चित रूप से कड़ी टक्कर होगी। अब तो चुनावी समीकरण में ही पता चलेगा कि कौन हाजित होगा। बीजेपी से टिकट मिलती है तो हाँ, संपत अग्रवाल जी का पल्ला भारी हो सकता है इस बार, क्यों ग्राम पंचायत अरेकेल से हैं जी, तो मतलब कांग्रेस के कार्यकाल में ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ? सर, ग्राम पंचायत में तो सरपंच ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, अगर सरपंच ही एक्टिव नहीं होगा तो ग्राम पंचायत का विधायक से मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि विधायक अपना फंड दे सकता है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर लागू करना था में नल जल योजना हाँ वो संचालित है, सीसी रोड सभी गली हाँ जी नहीं, कुछ मार्ग में है, कुछ बचा हुआ है जी, जैसे कि अभी हम लोग आए इसी मार्ग में आपके चौक से, हाँ बहुत ही खस्ता हालत है, और अरेकेल से सामने भी जो रोड गया हुआ है वो भी सिंगल लेन है, और उसमें इतने सभी गांव का लोड पड़ता है, लेकिन वो भी बहुत ही जर्जर स्थिति में है, आप देख ही चुके होंगे, और आपके समाचार के माध्यम से कुछ हल निकल जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। सर, मेरा नाम विजय राज बारिक है, ग्राम पोटापारा, और इसी रोड में हम लोग आना जाना करते हैं, प्लस गांव के बच्चे लोग स्कूल और स्कूल वाहन ये सब चीज़ इसी रोड में आती है,
फिलहाल अभी हम लोग के गांव पहुंच मार्ग में पोटापारा कुड़ेकेल से पोटापारा तो सही है, ये मतलब अपना डामरीकरण है, और बाकी नाला और अरेकेल के सामने में जो भी है ये सब चीज़ बहुत दिक्कत है सर जी। अगर आप लोगों से कुछ सहयोग हो पा रही है या फिर बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस चीज़ को बनवाने की कोशिश भी कीजिए और हम लोग भी भरपूर कोशिश करेंगे, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। ये काम तो यहाँ का स्थानीय विधायक और नेताओं का है जी, और अधिकारियों का पीडब्ल्यूडी के जी जी, हम लोग मीडिया वालों काम है हमारा जो दिखाना काम जी है। आप लोगों के थ्रू से उनके कान तक तो पहुँचेगी नहीं बात, हम लोग बिल्कुल आपकी बात उनके जी पहुँचाने की कोशिश करेंगे, बस मैं उतना ही कहना चाहता हूँ। फिलहाल में हम लोग जो विधानसभा भी चुनाव है उसके बारे में हम सवाल पूछेंगे, किसकी सरकार बनते दिखाई दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में? तो अब अपनी मोदी जी की ही सरकार दिखेगी, और जहाँ तक आपके थ्रू से मेरी बात उन तक पहुँच पा रही है तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को बना दीजिएंगे, बस उतना ही कहना चाहूँगा, उससे और ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा मैं।